मेरे सामने वाली खिड़की। खिड़की से हमेशा एक जैसा नजारा क्यों दिखता है? इस चीज से मैं बोर हो चुका हूँ। इसे देख के नींद आ रही है। ये क्या नोबिता, तुम फिर से आलसियों की तरह बैठकर खिड़की से बाहर देख रहे हो। समझ नहीं आता तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो। हाँ, मौसम इतना अच्छा है, तुम बाहर जाकर खेलती क्यों नहीं? मौन। तुम्हारे पैर में मोच आ गई है और तुम 3 दिन से स्कूल भी नहीं गए हो। चोट किसे भी लग सकती है, समझे? अच्छा अच्छा, सॉरी। वैसे भी मैं हमेशा इधर उधर पड़ा ही रहता हूँ। अब इतनी उदास मत हो, चलो खुश हो जाओ नोबिता। नहीं, मेरे दिल के दरवाजों को अंधेरों ने बंद कर दिया है। अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। तुम्हारी गलती की वजह से तुम्हारे पैर में मोच आ गई। बोला ना, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। ठीक है, विंडो एक्सचेंज मशीन। इससे तुम दूसरी खिड़कियों के नजारे भी देख सकते हो, वो भी अपने कमरे में बैठकर। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत भी नहीं होगी। हाँ? मुझे बस इसमें सही दिशा और दूरी डालनी होगी और इसे खिड़की की तरफ रखना होगा। हाँ, ये तो बदल गया। बताओ ये कौन सी जगह है? मैं बताता हूँ। रुको, मैं इसे पहले भी देख चुका हूँ। समझ गया, ये तो शिज़ुका के कमरे की खिड़की है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। वो रही शिज़ुका। वो शकरकंद भून रही है। समझ गया। शिज़ुका, शिज़ुका तुम्हारे लिए फोन है। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ तो बोलो, कैसी हो शिज़ुका? तुम्हारे भुने हुए शकरकंद अच्छे हैं? तुम्हें कैसे पता नोबिता? शिज़ुका तो हैरान रह गई थी। हाँ मैं समझ सकता हूँ। अच्छा बताओ, अब कौन सा नजारा देखना है? देखने दो। हाँ, सुनियो का घर। सही कहा। ये रहा सुनियो। मैं कितना स्मार्ट हूँ। पता नहीं क्यों मेरी सुंदरता को लोग देख नहीं पाते हैं। मेरे बालों का अंदाज भी देखो दोस्तों, कितना कमाल का है, और कोई समझ ही नहीं पाता है। लोगों को मेरा हेयर स्टाइल फॉलो करना चाहिए। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, जैसे कोई मुझ पर हंस रहा हो। क्योंकि तुम हो ही ऐसे। बस करो, अब अगला। ये नजारा मुझे अच्छा नहीं लगा। चुप जाओ। ये तो सही रहा। अरे ये क्या, मैं तो अपने कमरे में जा रहा था। मैं नहीं चाहता था मॉम पकड़े मुझे, इसलिए मैं खिड़की से घुस रहा था। लेकिन मैं यहाँ कैसे आ गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ। अरे ये तो नोबिता का घर है। आखिर ये मुझे क्या हो गया है? नोबिता, तुम अब तक ठीक नहीं हुए क्या? अपना ख्याल रखना, फिर मिलेंगे। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया ना। जब अगली बार मिलेगा तो माफी मांग लेंगे। जरा मुझे ट्राई करने दो। लाओ। हाँ बिल्कुल, ये लो। हम किसी अच्छे से नजारे वाली खिड़की को ढूंढते हैं, फिर मजा आएगा। ये रही। किसी के कपड़े सूख रहे हैं। ये तो अच्छा नजारा नहीं है, इसे बदलते हैं। हाँ? अगला। अगला। अरे वाह, ये बहुत अच्छा है। कितनी सुंदर जगह है ना। नोबिता, नाश्ता कर लो। हाँ चलो, हम बाहर का नजारा देखते हुए ये खाते हैं। हाँ
ये ठीक रहेगा। अच्छी वाली मिठाइयों के साथ साथ एक सुंदर सा नजारा। टेस्टी डोरा केक्स। आज मैंने स्टीम शकरकंद बनाए हैं। शकरकंद? क्या तुम्हें ये पसंद नहीं? नहीं, मैं इसे ऊपर जाकर खा लूंगा। और मैं भी। ध्यान से ले जाना बेटा, गिराना मत। अब हम किस खिड़की से बाहर देखें? डोरा केक्स खाने हैं। सॉरी, गलती हो गई। हम किसी ऊंची खिड़की से नजारा देखें क्या? सही कहा, चलो देखते हैं। ये तो किसी बिल्डिंग की छत लगती है। ये तो सच में ऊंची है। लोग तो बहुत छोटे लग रहे हैं। और ऊंची जगह को देखते हैं। और ऊंची जगह? अरे वाह, ये कौन सी जगह है? लगता है ये पहाड़ पर बने घर की खिड़की है। ये तो सच में बहुत ऊंची है। हाँ, क्या इससे भी ऊंची कोई बिल्डिंग होगी? मुझे इससे भी ऊंची जगह जाना है। इससे ज्यादा ऊंची जगह कहाँ मिलेगी? देखो, ये तो हवाई जहाज की खिड़की है। अरे वाह, उधर तो देखो जरा, मुझे एक टापू दिख रहा है। मुझे शिप्स भी दिख रही है। बहुत मजा आ रहा है, चलो और देखते हैं। हाँ हाँ, मजा आएगा। समुद्र? हम नाव पर हैं। बहुत सुंदर है। अरे वो क्या है? वो देखो, वो क्या है वहाँ पर? डॉल्फिन। मैं डर गया था। और मैं भी। तुम्हारा पैर अब ठीक है? हाँ, ठीक है अब। चलो, अच्छी बात है। चलो डोरेमोन, इस बार उत्तर की तरफ देखते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल, चलो देखते हैं। अरे, ये कौन सी जगह है? ओ, कोई आ रहा है। मुझे ये उत्तर दिशा तो नहीं लग रही है। फिर से कोशिश करते हैं। कौन हो तुम? वहाँ क्या कर रहे हो? मुझे माफ करना, दरअसल मुझे मोमोए से कुछ कहना है। मुझे सबसे पहले ये बताओ, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? दुख की बात है, वो कहीं गई हुई है। मैं समझ गया। क्या तुम वही बेसबॉल टीम के हिडेकी हो? क्यों, मैंने सही कहा ना? मैंने तुम्हारे टीम वालों से बहुत कुछ सुना है, तुम कोई अच्छे खिलाड़ी नहीं हो। मैं जानता हूँ तुम्हें। मुझे याद है तुम कभी बहुत ही अच्छे बेसबॉल प्लेयर हुआ करते थे। तुम्हें आखिर उससे काम क्या है? मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे मिलना चाहती है। तुम्हारे जैसे बेकार इंसान से कोई भी मिलना नहीं चाहेगा। घर चले जाओ, कहीं और देखते हैं। हाँ, ये उत्तर दिशा। हाँ, बर्फ गिर रही है। लगता है कुछ जगहों पर सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। तुम्हारे जैसे बेकार इंसान से कोई भी मिलना नहीं चाहेगा। घर चले जाओ। ये तो वही लड़का है। हाँ? डोरेमोन, हिडेकी नाम का वो लड़का? वही लड़का? पता नहीं अब वो क्या करने वाला है। मैं भी जानना चाहता हूँ। क्या हम वो जगह फिर से देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर हम मीटर पर लगे इस डायल को बाईं तरफ घुमाएंगे तो हम पहले वाले सीन पर पहुँच जाएंगे। हम कुछ ज्यादा ही पीछे पहुँच गए। हाँ यही है। यहाँ तो कोई नहीं है। ये तो हमारी खिड़की के बाहर खड़ा है। तुम चिंता मत करो, असल में ये किसी और की खिड़की है। ये कितना उदास लग रहा है ना? पता नहीं क्या हुआ है। सुनो मोमोए, तुम्हारे भाई ने मुझे बताया कि तुम यहाँ नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें अलविदा कहना चाहता था। देखो, असल में तो मैं तुमसे बात करना चाहता था, पर अब क्या कर सकते हैं। मैं अपने अंकल की कंपनी में उनकी मदद करने के लिए टोक्यो जा रहा हूँ। वैसे भी तुम जानती ही हो कि आजकल का समय बहुत मुश्किल चल रहा है, इसलिए मैं
आज की ही ट्रेन से वहां जा रहा हूं। शायद मैं अब तुमसे कभी ना मिल पाऊं, लेकिन मुझे जाना ही होगा। तुमसे दूर होकर भी मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा, कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। तो अगर तुम भी कभी कभी मुझे याद करोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं चाहे कहीं भी रहूं, मैं तो बस यही चाहूंगा कि तुम हमेशा खुश रहो, तुम पर कभी भी कोई परेशानी ना आए। मेरे पास समय नहीं है, अपना ध्यान रखना, अलविदा। अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे बुरा तो लग रहा है, पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन डोरेमोन, मुझे सच में चिंता हो रही है डोरेमोन। मैं सोच रहा था कि क्या हम किसी तरह मोमे को बता नहीं सकते। चलो वहाँ चलकर देखते हैं। हमें दिशा और दूरी तो पता ही है ना? समझा, चलो चलते हैं। हाँ। ये बहुत ठंड है। चलो चलते हैं। वो वाला घर? हाँ वही है। क्या वो ये वाली खिड़की है? हाँ देखो वही नजारा है। तुम सही हो, ये तो वही है डोरेमोन। लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? मैं घर आ गई भैया। आप कहाँ हैं? आपने जो सामान मंगाया था मैं ले आई। अरे तुमने तो बहुत देर कर दी। मैंने देर कर दी? आपकी ही बताई हुई चीजों को ढूंढने में वक्त लग गया। माफ करना। कोई बात नहीं। ये क्या, यहाँ कोई आया था? अरे नहीं, कोई भी तो नहीं आया था यहाँ पर। मुझे लगा जैसे कोई आया। सुनो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे पास उसे बताने का एक और भी बेहतर तरीका है। हाँ वो कैसे? सुनो मोमोए, तुम्हारे भाई ने मुझे बताया कि तुम यहाँ नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें अलविदा कहना चाहता था। देखो असल में तो मैं तुमसे बात करना चाहता था, पर अब क्या कर सकते हैं। कौन है वहाँ? हिदी की तुम? मैं अपने अंकल की कंपनी में उनकी मदद करने के लिए टोक्यो जा रहा हूँ। वैसे भी तुम जानती ही हो कि आजकल का समय बहुत मुश्किल चल रहा है, इसलिए मैं आज की ही ट्रेन से वहां जा रहा हूँ। मैंने विंडो वीडियो से सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। ये तो सही है। शायद मैं अब तुमसे कभी ना मिल पाऊं, लेकिन मुझे जाना ही होगा। सुनो मोमोए, मैंने तुमसे कभी ये नहीं कहा, पर मैं तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता हूँ। तुमसे दूर होकर भी मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा, कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। तो अगर तुम भी कभी कभी मुझे याद करोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं चाहे कहीं भी रहूं, मैं तो बस यही चाहूंगा कि तुम हमेशा खुश रहो, तुम पर कभी भी कोई परेशानी ना आए। मेरे पास समय नहीं है, अपना ध्यान रखना, अलविदा। अरे मुझे ये तो बताओ आखिर तुम्हें क्या हुआ है?
हितेकी यहाँ से चला गया। हाँ, क्या वाकई वो चला गया है? ये तो अच्छा ही हुआ। अरे क्या वाकई तुम उसकी दोस्त थी? मुझे तो लग रहा था सब कुछ मजाक में हो रहा है, मैंने तो कुछ भी नहीं समझा। चुप करिए, आपको बहुत ही मेहनती लड़का था, उसकी वजह से ही आप समय पर अपना काम खत्म कर पाते थे, वो आपकी मदद करता था। हमें जो बताना चाहिए था हमने उसे बता दिया। पता नहीं क्या होगा। हाँ, पता नहीं। पता नहीं हिडेकी अब कहाँ है। शायद वो इस समय ट्रेन में होगा, वो भी अकेला। मैं ऑटोमेटिक ट्रैकिंग अडैप्टर लगा देता हूँ, देखते हैं वो इस वक्त क्या कर रहा होगा। ये अडैप्टर हमें अपने आप उस खिड़की तक ले जाएगा जहाँ से हम उसे देख पाए। मिल गया, देखो ट्रेन अभी तक नहीं आई है। शायद ये मोमोई का इंतजार कर रहा है। हाँ? लाइए मैं मदद करता हूँ। हाँ बेटा, ये लेटर इस बॉक्स में डाल दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जी कोई बात नहीं। अरे अब वो दिख नहीं रहा है। एक मिनट रुको, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। ये अब जाने वाला है। कितने दुख की बात है, कोई भी उसे अलविदा कहने नहीं आया। मॉम वो रहे भैया। भैया हिदेकी। मॉम गोरो, तुम लोग यहाँ? अच्छा हुआ मैं टाइम पर आ गई। अरे आप दोनों यहाँ क्यों आ गए? लो ये शकरकंद रख लो। ये तो गर्म है, रास्ते में भूख लगी तो ये काम आएगा। ठीक है मॉम। शुक्रिया मॉम। ट्रेन आ गई, क्या ये ठीक हो रहा है? समझ नहीं आ रहा। ओ, इतना क्यों परेशान हो रहे हो? क्या तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं डोरेमोन? पर हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते ना। तुम बहुत बुरे हो। जो समझना है वो समझ लो। तुम बुरे हो। तो चलता हूँ। आज अगर तुम्हारे पिता होते तो उन्हें तुम पर गर्व होता। मॉम आप उदास मत होइए। भैया आप अपना ध्यान रखना, ये मेरी शकरकंद ले जाओ। देखो इसे तुम ही खाओ और जल्दी से बड़े हो जाओ, ठीक है? बेटा ये रख लो। अरे ये तो पैसे हैं। अगर शहर में मन ना लगे तो इससे वापस आ जाना, ये पैसे टिकट खरीदने में काम आएंगे। सुनिए मॉम, मैं खुद पैसे कमाकर जल्दी ही वापस आऊंगा। और हाँ, मेरी चिंता मत कीजिएगा मॉम, अपना ख्याल रखिएगा। अलविदा। चला गया। हाँ वो चला गया, पर मोमोए नहीं आई। कोई बात नहीं, ऐसा होता है नोबिता। तुम सच में बहुत बुरे हो डोरेमोन। हम कहाँ हैं? ये ट्रेन की खिड़की है जिससे वो बाहर देख रहा है। तो ऐसी बात है डोरेमोन, अब तुम्हें चिंता क्यों होने लगी? ऐसी बात नहीं है।
हेडी की अलविदा। शहर पहुँच कर मुझे चिट्ठी लिखना, मैं भी तुम्हें रोज चिट्ठी लिखूंगी। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। झगड़ो है ताई पाड़ जो है लो अच्छा? कोई उकी टक्कर में आगो तो वो कहते ही काम सुन जल दो, कहते ही काम सुन जालो। अच्छा अच्छा, राम बोलन झगड़ो ताई पाड़ जो ये लो रे, कोई उकी टक्कर में बाकी को छोड़ बेजाई कूट छे। अच्छा? नाम राम फूल को सुनताई दुश्मन बाग छूट छे, दुश्मन बाग छूट छे। कहते बाकी को छोड़ बेजाई कूट छे, बोल को सुनताई दुश्मन बाग छूट छे, दुश्मन बाग छूट छे। छोड़ बाकी अच्छा, गुस्सो आया पच को बग से आई विशेष ताऊ की, आई विशेष ताऊ की। अच्छा अच्छा, राम बोलने